अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो, ये बताएं कि इंडिपेंडेंस से पहले ये कहाँ थे? ये अंग्रेजों के पिट्ठू जो स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के खिलाफ जिन्होंने गवाहियां दी, हमारे ये लोग हमें सिखाएंगे? ये तो संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, देश की आज़ादी के विरुद्ध ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं, ये हमें क्या सिखाएंगे? ये हमारे घोषणा पत्र को देख के सारी बीजेपी तिलमिला रही है, क्योंकि घोषणा पत्र हमारा में हर वर्ग का ख्याल रखा गया। असंख्य लोग जेलों में गए थे, जिसमें मेरे दादाजी भी जेल में गए थे। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र वो था जो 1942 में करो या मरो का नारा कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन से दिया गया था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बीजेपी भर भर कर कमियां निकाल रही है। कोई कांग्रेस के 5 न्याय पर निशाना साध रहा है तो कोई कांग्रेस की गारंटियों पर, लेकिन आज तो पीएम मोदी ने कांग्रेस मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग की सोच बता दिया। बस फिर क्या था, कांग्रेस नेताओं का खून खौल गया। रोहतक पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने तो भाजपा नेताओं को अंग्रेजों के पिट्ठू करार दे दिया। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले कि भाजपा कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर तिलमिला गई है। पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा वो सुनिए, फिर मोदी के बयान पर गुस्साए उदयभान ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। उससे मैं 2 ही बातें कहना चाहूंगा। एक तो इससे स्पष्ट है कि हमारे घोषणा पत्र को देख के सारी बीजेपी तिलमिला रही है, क्योंकि घोषणा पत्र हमारा में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। और दूसरा, जहां तक देश की आज़ादी से पहले घोषणा पत्र की बात थी, देश की आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र वो था जो लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज का हमने नारा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, जिसके बाद असंख्य लोग जेलों में गए थे, जिसमें मेरे दादाजी भी जेल में गए थे। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र वो था जो 1942 में करो या मरो का नारा कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन से दिया गया था, और उस अधिवेशन के बाद करो या मरो के बाद असंख्य लोग फिर जेल में गए थे, जिसमें मेरे स्वर्गीय दादाजी फिर जेल में गए थे। कांग्रेस पार्टी का वो घोषणा पत्र था जिस घोषणा पत्र के को लेने लागू कराने के लिए असंख्य लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपना सारा नौजवान जीवन ब्रिटिश साम्राज्य की काल कोठड़ियों में बिताना पसंद किया। मगर हमारा अगर घोषणा पत्र था तो पूर्ण स्वराज का और करो या मरो का नारा था। पीएम मोदी के बयान से खफा दीपेंद्र ने तो अपने दादा द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई भूमिका का जिक्र कर दिया और कहा कि उनके दादा ने भी आजादी की लड़ाई के लिए जेल भी काटी है। वहीं चौधरी उदयभान तो पीएम के बयान से इस कदर नाराज और गुस्से में नजर आए कि उन्होंने बीजेपी पर ही सवाल उठा दिए और भाजपा के लोगों को अंग्रेजों के पिट्ठू करार दे दिया। मैनिफेस्टो को कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखते ही ये पूरी तरह से बीजेपी पे कोई इन पर जवाब नहीं है देने के लिए। आज ये कह रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो, ये बताएं कि इंडिपेंडेंस से पहले ये कहाँ थे? ये अंग्रेजों के पिट्ठू जो स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के खिलाफ जिन्होंने गवाहियां दी, हमारे ये लोग हमें सिखाएंगे? ये चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का था जब कांग्रेस पर सत्ता आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इस देश में जो प्रगति का जो खाका उन्होंने बुना, चाहे इसमें जहां इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, आज जो मिसाइल भी बन रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच का परिणाम था। जो इसके प्रदेश में औद्योगिकरण हुआ, इस देश में इंस्टीट्यूट खड़े किए गए, IIM, IIT, जो हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों का सपना था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के जरिए जो दिया, इन्होंने तो संविधान का विरोध किया। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 11 दिसंबर 1949 को संविधान की प्रतियां जलाने का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुतले फूकने का काम किया। ये तो संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, देश की आजादी के विरुद्ध ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं, ये हमें क्या सिखाएंगे? उदयभान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र की विरोधी है। आज देश ने जो तरक्की की है वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कांग्रेस की सरकार के दौरान ही हुए थे और भाजपा केवल नफरत के बीज बोने की राजनीति कर रही है। वैसे पीएम के बयान और कांग्रेस मैनिफेस्टो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।